Hello all students, in this video we shall going to learn the chapter number 9, the bond of love. Before you read me diya hai, can there be love and friendship between human beings and the wild animal? Let's read a fascinating account of an orphaned salt bear that was rescued by the author. तो यहाँ पे कभी आपने देखा है किसी वाइल्ड एनिमल की किसी ह्यूमन से फ्रेंडशिप हो? और यहाँ पे एक जो स्टोरी दी गई है वो यही बता रही है एक सॉल्ट बेयर को. ऑथर हमारे जो ऑथर है उन्होंने अडॉप्ट किया था, उन्होंने रेस्क्यू किया था. सॉल्ट बेयर इनहेबिटेड फॉरेस्ट एरिया, जनरली वो फॉरेस्ट में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं इंडिया एंड द ग्रास लैंड एट लोअर एलिवेशन. सॉल्ट बेयर हैव वेरी शेगी हेयर एंड द लॉन्ग मसल्स यूजिंग देयर कॉल्स टू डिग. दे कैन द यूज देयर लिप्स ऑफ फ्रॉम फॉर्म ऑफ ट्यूब विच कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड or into hard to reach the area like dead tree for their food. Their main food is a termites. You can hear the stuff of their food from the several feet away. यानी कि bears है वो अपने जो food को कैसे मतलब के पकड़ता है अपनी जीप के द्वारा. उसकी जीप बहुत बड़ी होती है, उसके पंजे, उसके नाखून, उसके जो उसका पूरा बॉडी है, स्ट्रक्चर है उसके द्वारा. और उसका फूड है टर्मिट्स जो है उसका फेवरेट फूड है, मेन फूड है. तो इस स्टोरी को हम बिगेन करते हैं. आई विल बिगेन विद द ब्रूनो. ब्रूनो कौन है? छोटा सॉल्ट बेयर. माय वाइफ्स पेट सॉल्ट बेयर. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. अब उन्हें वो बाय एक्सीडेंट मिला था. ऑथर को कैसे मिला था? बाय एक्सीडेंट. कैसे? 2 years ago वी वेर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड. शुगर कैन फील्ड मीन क्या? गन्ने के खेत. विल पिक्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम. सम वेयर शूट एंड सम स्कैप. वेयर थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक सॉल्ट बेयर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन. अब यहाँ पे जैसे वो 2 साल पहले की बात है, वो कह रहे हैं कि हम शुगर कैम्प यानी गन्ने के खेतों में मैसूर के पास, वहाँ जो गन्ने के खेत हैं वहाँ पे थे. वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? शूट कर रहे थे किसे? शुअर को, यानी पिग्स होते हैं जो वाइल्ड पिग्स होते हैं उनको, शुअर को वहाँ से खेतों से भगाने के लिए उनके उन्हें शूट कर रहे थे. वहीं पर एक अचानक से बेर आ जाता है हमारी गाड़ी के आगे. अब वो सॉल्ट बेयर जो है हॉट सन में हमारे एकदम गाड़ी के सामने आ जाता है. नाउ आई विल नॉट शूट अ सॉल्ट बेयर वॉन्टनली बट वॉन्टनली मीन्स क्या होगा? फॉर नो गुड रीजन. अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माय कंपेनियन डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड द प्रोमोटिव शॉट द बी ऑन द स्पॉट. अब हमारे राइटर हैं वो किसी बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बैर को भी शूट नहीं करना चाहते थे. पर उनका साथ एक कंपेनियन था, वो डर की वजह से इस बैर को गोली मार देता है, शूट कर देता है. एज वी वॉच द देन फैलन एनिमल वी वेर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द पोस्टरेट बॉडी. देन वी शो इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन रीडिंग ऑन इट्स मदर बैक. When the sudden shock had killed her, the little creature ran around in the prostrate parent, making a pitiful noise. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही उस बैर को शूट करते हैं तो उसके पीछे से दूसरी ऐसी फर यानी कि उसके स्किन वाला कोई और एनिमल जो है पीछे से उस जहाँ बॉडी गिरी थी सॉल्ट की वहाँ से पीछे से एक एनिमल निकलता है. और वो कौन होता है? बेबी बॉय बेयर होता है, उसका बच्चा होता है. अब अपनी मदर को नीचे गिरे हुए देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ है.
आई रन अप टू इट एंड द अटेम्प्ट क्रीचर कैप्ट. अब वो क्या होता है, भाग जाता है गन्नों के खेत में डर की वजह से, क्योंकि शायद उसे भी लगता है कि ये लोग ने मेरी मम्मी के साथ ऐसा किया तो शायद मुझे भी इनसे डेंजर है, इसलिए वो भाग जाता है और राइडर उसके पीछे भागते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. कैप्चर इट्स टू इट्स स्कूटेड. स्कूटेड मीन्स रन अवे इन टू दी सुगर कैन फील्ड. फॉलोड इट विथ माई कैपेनियन. आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैप इट बाय दी स्कफ. स्कफ क्या होता है, पीछे की नेक का जो स्किन होती है वहाँ से जनरली क्या होता है, बच्चों को पकड़ा जाता है या फिर किसी भी एनिमल को पकड़ा जाता है. तो फाइनली उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने पीछे नेक के पीछे से उस बैर को पकड़ा हुआ था, बैर बेबी को. स्नैप वाइट स्नैप एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विथ हिज लॉन्ग हुक्ड कॉल्स. अब वो क्या कर रहा था, बेबी बैर बहुत डरा हुआ था, इस वजह से वो क्या कर रहा था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अपने पंजों से स्केच करने की कोशिश कर रहा था राइटर्स को. राइटर को वी पुट इट इन वन ऑफ द घनी बैग वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू द बेंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माय वाइफ. शी वॉज डिलाइटेड. She at once put the colored ribbon around his neck, its neck, and after discovering the girl was a boy, she christened it Bruno. फिर क्या होता है कि वो अपने साथ ले जाते हैं बेबी को, और बेबी बॉय जो होता है बेर का, उसको एक घनी बैग में डाल देते हैं. बहुत स्ट्रिक्टली बना हुआ बैग होता है, उसमें उसको रखते हैं और वो बेंगलोर ले जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी वाइफ को एज अ प्रेजेंट उनको ये बेबी बैग गिफ्ट करते हैं. तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. फिर उन्हें पता चलता है, मतलब कि तब वो उनकी बेबी बैग उनके जो गले में है वो रिबन बांध देती है. फिर उन्हें पता चलता है कि छोटा सा बेबी बॉय है, तो उनका नाम रख दें क्रिस्टनेट मीन्स क्या होगा, नामकरण. तो उसका नाम रखते हैं ब्रूनो. देन ब्रूनो सून टुक द ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द बॉटल. इट वॉज अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ व्यू वेरी फ्यू डेज स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही एट प्रोड्यूस made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice and regardless condiments and chilies, breads, eggs, chocolates. Condiments means kya hoga, spices, sweets, pudding, ice cream, etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, एड चीज वाटर बटर मिल्क बियर अल्कोहलिक लिक्विड एंड इन फैक्ट एनी थिंग लिक्विड इट ऑल वैन डाउन विथ रेंच. यहाँ पे देखिए बैर जो है वो थी पहले तो उसको क्या बॉटल में छोटा सा जब मिल्क खिला रहे थे, फिर वो सब कुछ धीरे धीरे खाने लगा, सब कुछ है सब कुछ, कुछ भी वेजिटेबल्स दे दो कुछ भी बना के दे दो वो खा जाता था. मतलब वो उसको सब पसंद था, यहाँ पे सारी जो ये चीज़ें दी गई है वो सारी वो खा जाता था. वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था, ईटिंग करता था, वो कुछ भी पी भी लेता था और बहुत ही मज़े के साथ खाना खाता था और बहुत ही मज़े के साथ सब कुछ पी भी सकता पी भी लेता था. रिलिश करना मीन्स मज़े के साथ, उसको जो है इंजॉय के साथ और फील करके खाना या पीना. तो उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, सब कुछ पसंद था खाना और पीना, और धीरे धीरे वो सब कुछ खाना और पीना शुरू कर देता है. तो ये जो चैप्टर है अभी हम अभी तक यही इतना ही रखेंगे, आगे का जो है वो हम. द बेयर बिकम अ वेरी अटैच्ड टू दी अवर टू एलास्टिक डॉग्स एंड द टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द टेंसेस लिविंग इन अवर बेंगलोर. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंग डेज एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू द स्लीप इन अवर बेड्स. अब वो जनरली उनके साथ हैबिटेट हो जाता हो गया था, चिल्ड्रन के साथ खेलता था, डॉग के साथ खेलता रहता था और उनके बेड्स पे जाके कभी कभी किचन में चला जाता था, सो जाता था बेड्स पे जाके. सारी उसकी चीज़ें हो गई थी, यूज्ड हो गया था इन सबसे. अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए नाइस डे. थैंक यू एंड